जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा हाल ही में गांव स्तर पर होने वाले निर्माण कार्य की अनुमति सरपंच पटवारी तथा एसडीएम से लेने संबंधी दिए गए आदेश की आज जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि इस जनता विरोधी कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। मीरा साहब क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के प्रधान पृथ्वी सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। पृथ्वी सिंह, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब प्लस जकपा का प्रेसिडेंट, हमने जो आज धन्यवाद करते हैं प्रेस मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, हमने जो वार्ता इसलिए बुलाई है कि एक पिछले दिनों एक खबर आई थी जो 1 तारीख को बहुत अन्याय भरी खबर थी कि जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जो जवान लोग थे, बच्चे जिनके माँ बाप ने काफी मेहनत मशक्कत करके बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने जेके पीएससी में भी अप्लाई किया होता, एसएसबी में भी, और 2019 में उन्होंने अप्लाई किया अक्टूबर में, हमें ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर विड्रॉ किया है 2.5 साल के बाद ऑर्डर विड्रॉ कर रहे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर था? उन बच्चों की इन्हें गर्दन काटी है, सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। अगर लाख बंदे ने भी वो फॉर्म भरा होगा तो गवर्नमेंट के पास 10 करोड़ आया है, वो 10 करोड़ गवर्नमेंट लेके चुप कर बैठ गई। अगर उनके इंटरव्यू नहीं हुए, टेस्ट नहीं हुए, तो गवर्नमेंट का फर्ज था चेयरमैन को, जेके एसएसबी के चेयरमैन को खींचती, जब जेके पीएससी के चेयरमैन को खींचती, उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे, उनकी गर्दन पे छुरी चलाई है, उनके माँ बाप के सपनों को इन्हें रौंदा है, उनके माँ बाप का सपना बेड़ा गर्क किया, और बच्चे वही बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, उसका कौन फांसी वाला? इनको गवर्नमेंट को जो ऑर्डर वापस करना चाहिए और पहले वाला ऑर्डर बाहर रखना चाहिए। दूसरा नंबर, एक और मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, एलजी से अपील करता हूं कि जो नए नए ऑर्डर थोप रहे हैं, जैसे कि कोई भी आदमी रूरल में है, जब अपना अर्बन में कोई अपने मकान बनाता है, जैसे उसको एसडीएम की परमिशन लेनी है, अपना पटवारी की लेनी है, सरपंच की लेनी है, बीडीओ ब्लॉक से लेनी है, पहले ही गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं मिलते। और मैं पूरे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये मेरी वार्ता ध्यान से सुने और उनको पता होना चाहिए कि जो हम वार्ता किस लिए कर रहे हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए हित के वार्ता है, क्योंकि जहां उनको परमिशन चाहिए, परमिशन उसी को मिलेगी जिसकी जमीन मालकाना हक होगी, जो रजिस्टर्ड होगी जमीन, उसी को परमिशन मिलेगी। मुझे ये बताएं, कठुआ से लेकर पूंछ, चोरी, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ तक जितने भी जहां के लोग हैं वो लोकल लाठी हैं, किसी के पास मालकाना हक नहीं, परमिशन तो उसको मिलेगी नहीं, क्या उसको घरों से बाहर निकालेंगे? कोई घर में गाय के लिए मकान बना रहा है, कोई नहाने के लिए बाथरूम बनाएगा, जब कोई रसोई बनाएगा तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। इससे पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और लोग अपने आराम से बजट गुजर कर रहे थे? ये ज्यादा जो गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ, ये ऑर्डर अपने ऑर्डर वापस लो, तो जब गरीब लोग की डिलिमिटेशन जो हुई है, मुझे तो लगता है बिल्कुल ही बेकार हुई है, किसी पर्टिकुलर एक माना पार्टी के मुताबिक हुई है, जनता के मुताबिक डिलिमिट नहीं हुई। जो मैं किसी पार्टी के साथ कम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो 96 में लोगों को रायपुर की सीटें और बढ़ेगी और इन लोगों की जो सीटें रहेंगी, मुझे तो लगता है जो बॉर्डर बिल्ट है, जो लोग गोलियां खाते हैं, खास करके वहां की जो जट बरादरी है, उनका नाम निशान मिट गया। 2002 में जट कम्युनिटी के 3 लोग आए थे, चौधरी गारू मिनिस्टर बना था और अपना मनजीत सिंह भी मिनिस्टर बना था, तरलोक सिंह बाजवा जी एमपी बने थे। मुझे लगता है अभी इनका नाम निशान खत्म किया, अच्छी जो डिलिमिटेशन किया, मैं कहता जो सीटें बाहर रहनी चाहिए।